अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है ना वो जुनैद जमशेद की फेस्टिव कलेक्शन शेयर की जाए। ये वीडियो अच्छा थोड़ी सी पहले की है, तो मैंने सोचा था कि ईद के करीब ही जो है ना वो इसको अपलोड करूँगी। तो आज फाइनली मैंने इसको अपलोड कर रही हूँ। तो मैं इनका दिखा रही हूँ ईद की कलेक्शन, जो कि है अभी ये तो फ़िलहाल जो है ना वो समर कलेक्शन वाली है, क्योंकि इस पे जो है ना वो चुनरी प्रिंट्स हैं। फेस्टिव कलेक्शन जो है बहुत खूबसूरत है इनकी, वो है आगे चल के वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो इसके जो है ना मैं कार्ड दिखा रही हूँ, उस पे डिटेल सारी मेंशन है, इनके प्राइजेस वगैरह, इनकी जो फैब्रिक डिटेल्स हैं सब कुछ वहाँ पे मेंशन है। तो उसको पॉज करके जूम करके देख लें कार्ड्स को। और यहाँ पे जो है ना मैं फिर इनके कुछ रेक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊंगी कि कौन कौन से इनके पास फेस्टिव कलेक्शन है। तो यहाँ से जो है ना वो न्यू अरावल स्टार्ट होता है, जिसमें बहुत खूबसूरत प्रिंट्स हैं, बहुत खूबसूरत कलर्स के साथ जो है ना वो इन्होंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है। लाइट कलर्स भी हैं और समर्स के कलर्स भी हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और स्पेशली इनके जो है ना दुपट्टे मुझे काफ़ी पसंद आए, कि दुपट्टे जो है ना वो इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट सा है, और दुपट्टों का जो प्रिंट है ना वो भी बहुत खूबसूरत है। तो इसकी प्राइस आप लोग देख रहे हैं 4,890 इसकी प्राइस है इस ड्रेस की, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसमें जो है ना लाइट लाइट से स्टोन्स भी लगे हुए हैं, बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा है ये। इसका दुपट्टा भी आप लोग देख लें, फैब्रिक डिटेल जो है ना वो इसके कार्ड पे सब कुछ लिखी हुई है, वो सब आप लोग देख लें। एक ये ठंडा सा कलर आया है, बहुत खूबसूरत ये कलर है, मुझे तो बहुत पसंद आया है ये कलर। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा। 4,890 भी इसकी प्राइस भी यही है, तो काफ़ी अच्छी प्राइस में जो है ना वो इतना खूबसूरत ये लोग जो है ना वो कलर्स और प्रिंट्स दे रहे हैं। बहुत प्यारे कलर्स मुझे लगे, और ये कलर जो है ना ये भी बहुत खूबसूरत था लॉन पे, तो इसकी प्राइस भी जो है ना वो सेम ही है। और ये कलर जो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरा फेवरेट कलर चल रहा है आजकल, तो ये कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसके साथ जो है ना लेमन और येलो और जो है ना वो ऑरेंज का कंट्रास्ट था, बहुत खूबसूरत कंट्रास्ट दिया हुआ था। एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी थी, अच्छा इसकी। तो ये सब जो है ना वो उसी प्राइस रेंज के अंदर थे जो मैंने आपको दिखाया। अब जो है ना आ जाते हैं दूसरे रेक की तरफ, जे डॉट के, और यहाँ पे इसके प्राइस देखते चलें। इसके प्राइस आप लोग देख लें 3,000 प्लस है, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में इतना खूबसूरत ड्रेस अगर आप लोगों को मिल रहा है, इसकी सारी स्टिचिंग डिटेल्स और ये स्टिच होने के बाद कैसा लगेगा वो सब भी आप लोग जो है ना इनके कार्ड पर देख लें। फिर हम दूसरे रेक की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में जो है ना इस रेक को क्या नाम है, मैंने सोचा कि दिखा दूं कि इसी प्राइस रेंज के अंदर जो है ना वो ये रेक्स के ड्रेसेस होते हैं, जो एक रेक में लगे हुए होते हैं उसी प्राइस में ही वो दूसरे भी लगे होते हैं। तो काफ़ी अच्छी खूबसूरत सी कलेक्शन थी ये, मैं ड्रेस दिखाने लगी थी इसका दुपट्टा, कि इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत था। एक तो कलर्स बहुत डार्क थे, लेकिन जो है ना इसमें ये फैब्रिक बहुत खूबसूरत है इसका। और इससे पहले मैंने आपको दिखाया ना इस टाइप का स्टोन्स वाला ड्रेस, तो वैसा ही यहाँ पे बर्ड्स वगैरह बनी हुई है इस ड्रेस पे, तो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, न्यू डिज़ाइन लग रहा है ना ये। तो फिर आते हैं हम चलें दूसरे रेक की तरफ, और इनकी तमाम कलेक्शन मुझे बहुत पसंद आई, और इनके जो ड्रेसेज हैं ना उनके कलर्स कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छे लगे, थोड़े से हैवी थोड़े से लाइट्स, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन मुझे कलर्स के लगे। और सबसे फेवरेट जो मेरा ड्रेस रहा है ना वो ये है, शॉकिंग पिंक है, बहुत खूबसूरत डिटेल्स इसकी बहुत प्यारी थी, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत थी, ब्लैक भी बहुत खूबसूरत था। ये जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ ये 4,000 प्लस के ड्रेसेस हैं। कार्ड को जो है ना वो आप लोग पॉज कर लें अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा तो। ये जो है ना तमाम रेक में आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये रेक्स पे इस टाइप के कपड़े जो है ना वो यहाँ पे लगे हुए थे। फिर हम दूसरे रेक की तरफ आते हैं, तो इस पे भी बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे, मुझे जो है ना वो पिंक पसंद आ गया फिर दोबारा से इस पे ही। और ये हैं सारे जो है ना रेक्स, लोग खड़े हुए थे, रश काफ़ी था, तो थोड़ा सा मैस हुआ हुआ है रश की वजह से, क्योंकि सब जो है ना वो चेक करते हैं ड्रेसेस को, फैब्रिक को, तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा वो हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है ना मैं दिखाने लगी थी कुछ और,
तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत चुनरी प्रिंट में बहुत खूबसूरत लगा मुझे। अच्छा ये कलर ना बहुत प्यारा ठंडा कलर है। एक तो पिंक कलर है, पिंक तो लड़कियों का फेवरेट कलर होता है, तो मुझे पिंक के साथ येलो भी अच्छा लग रहा है आजकल, क्योंकि ना पिंक और येलो ऑरेंज इसका कंट्रास्ट भी बहुत खूबसूरत लगता है। और काफ़ी अच्छे खूबसूरत रेक में इन्होंने जो है लगाए हुए थे। फिर हमने सोचा कि खादी भी चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो है ना वो हो सकता है सेल लग गई हो, लेकिन जो है ना हम लोग गए तो सेल नहीं थी, तो कुछ ड्रेसेस जो है ना वो न्यू थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी जो है ना वो शेयर कर दूं विद प्राइस। तो खादी के जो ना ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहे थे मुझे, 2 पीसेस 3 पीसेस थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये दोनों जो है ना वो कलर कॉम्बिनेशन, दोनों कलर अलग हैं दोनों के, और डिज़ाइंस जो है ना वो दोनों के सेम है, और दोनों कलर्स ही बहुत खूबसूरत हैं। इनके दुपट्टे भी अच्छा बहुत प्यारे थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। फिर जो है ना दोबारा से इसके नीचे वाला दिखा देती हूँ मैं ड्रेस, और इसके प्राइस भी आप लोग देख लें, 2490 इसके प्राइस हैं, फैब्रिक डिटेल्स और स्टिच होने के बाद ये कैसा लगेगा वो भी आप लोग देख लें, 2990 प्राइस हैं इसके। और बहुत खूबसूरत ड्रेस है, खादी का मैंने आप लोगों को बताया ना कि बहुत रिजनेबल प्राइस होते हैं इनके। इसमें जो है ना इतना अच्छा ये फैब्रिक और इनकी डिटेलिंग दे देते हैं, ये बहुत मुझे रिजनेबल प्राइस लगते हैं खादी के। तो आप लोग बताइएगा कि आपको आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है। मेरा ये तो नहीं कहेंगे कि मेरा फेवरेट ब्रांड है, ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं जिनके कपड़े हमें इस चीज़ पे जो है ना वो करना चाहिए प्राउड अपने ब्रांड्स पे, कि इन्होंने जो है ना वो पाकिस्तान के ऐसे ब्रांड्स हैं जिस पे उनका फैब्रिक बहुत अच्छा बनाते हैं लोग, और एम्ब्रॉयडरी हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट करके देते हैं। तो इस चीज़ पे जो है ना हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हम पाकिस्तानी ब्रांड्स को। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा कलर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठंडा ठंडा कलर, और ये भी बहुत प्यारा कलर है। पता नहीं क्यों मुझे ये कलर भी बहुत खूबसूरत लगने लगा है, जब से मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना तो ये कलर आता है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग जाता है। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं दूसरे रेक पर आ गई हूँ, 2390 इसकी प्राइस है, थोड़ा सा जो है ना वो डार्क कलर्स में है, लेकिन जो है ना बहुत खूबसूरत कलर लग रहे हैं इसके, जो कॉम्बिनेशन है ना कलर्स का बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग जो है वो कर ली है, कर रही है तो कहाँ से की है ये मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ से की है। तो मैंने भी कर ली है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग या उससे बाद वाला व्लॉग जो है ना मैं अपनी शॉपिंग हॉल का भी कर दूंगी इंशाल्लाह। और जो है ना मैंने सोचा कि अभी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ जो है ना वो तमाम ब्रांड जो है वो शेयर कर दूँ कि किस पे कितने परसेंट ऑफ लगा हुआ है और क्या ड्रेसेस जो है ना वहाँ पर अवेलेबल हैं। बहुत प्यारे ड्रेसेज हैं, अच्छा खादी के भी एम्ब्रॉयडर्ड और फेस्टिव कलेक्शन भी बहुत खूबसूरत है। जे डॉट का मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, वो भी बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारे ड्रेसेस थे उनके भी, और खादी के भी बहुत प्यारे हैं। तो यहाँ पे इनकी जो है ना प्राइस रेंज आप लोग देख लें, स्टिचिंग डिटेल्स और फैब्रिक डिटेल्स देख लें कि इस पर कितने मीटर आपको कपड़ा मिलेगा, कितने मीटर ट्राउज़र का मिलेगा, तो सब कुछ यहाँ पर मैंशन होता है, तो आप लोग पॉज करके देख लिया करें। और जो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस जो है ना वो अपलोडेड हैं, जो जिसमें जो है ना वो सफ़ायर, मारिया बी, अलकरम और निशात लीलन, गुल अहमद, तमाम वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो आप लोग जो है ना पहले जाके उसे भी देख लें, और इस वीडियो को भी अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो है ना वो शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है ना मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँ। जी फिर हम आ जाते हैं दूसरे रेक की तरफ, इस पर भी बहुत खूबसूरत कपड़े लगे हुए थे, ड्रेसेस जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी लग रही थी मुझे इनकी, कलर कॉम्बिनेशन, कंट्रास्ट सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें चैनल को, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। उम्मीद करती हूं कि, यकीन करती हूं कि पसंद आई होगी। तो चलें जी मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। जुम्मा मुबारक, आज है जुम्मा जब आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो जुम्मा सबको मुबारक हो, रमज़ान भी बहुत जल्दी गुजर रहे हैं, और ईद की भी मुबारकबाद इन एडवांस मेरी तरफ से आप सब लोगों को, अपनी फैमिली को भी, आप लोगों की फैमिली को भी ईद की मुबारकबाद। तो चलें जी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।